गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच क्लास 7 कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एमएस वर्ड 2013। इन जनवरी 2013 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट्स ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। जनवरी 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक लेटेस्ट वर्जन रिलीज्ड किया ऑफिस सॉफ्टवेयर के सूट का, ऑफिस 2013, जिसका नाम ऑफिस 2013 है। ऑफिस 2013 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऑफिस सूट एंड इट इंक्लूड्स सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। ऑफिस 2013 ऑफिस सूट का एक लेटेस्ट वर्जन है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चेंजेस भी इंक्लूड किए। वर्ड 2013 इज वेरी सिमिलर टू वर्ड 2010। वर्ड 2010 से बिल्कुल मिलता जुलता है। इफ़ यू हैव प्रीवियसली यूज वर्ड 2010, अगर आपने पहले वर्ड 2010 यूज़ किया है, देन वर्ड 2013 शुड फील फैमिलियर, तब आपको वर्ड 2013 बिल्कुल जाना पहचाना लगेगा। बट इफ़ यू आर न्यू टू वर्ड, लेकिन अगर आप वर्ड पर नए हैं और हैव मोर एक्सपीरियंस विथ ओल्डर वर्जन, या आपको पुराने वर्जन पे एक्सपीरियंस है, यू शुड फर्स्ट टेक सम टाइम टू बिकम फैमिलियर विद द वर्ड 2013 इंटरफेस। तब आपको कुछ समय एक्सपेंस करना पड़ेगा वर्ड 2013 को समझने के लिए या फिर उसे परिचित होने के लिए। द क्विक एक्सेस टूल बार, ये एक फीचर्स है या फिर कह सकते हैं कि एक ऑप्शन है। क्विक एक्सेस टूल बार माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑप्शन है। इट इज लोकेट जस्ट अबव द रिबन, यह रिबन के जस्ट ऊपर शो करता है। द क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सिलेक्टेड। इसमें कुछ कॉमन कमांड आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यह मायने नहीं रखता है कि आपने कौन सा टैब सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट इट सो द सेम अंडो एंड रिपीट कमांड। बाय डिफॉल्ट इसमें सेम अंडो एंड रिपीट कमांड शो होता है। यू कैन एड अदर कमांड्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। आप इसमें दूसरे कमांड भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। टू ऐड कमांड टू द क्विक एक्सेस टूल बार, अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड ऐड करना है तो उसका प्रोसेस इस पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट नंबर, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू द राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो होता है जिस पे आपको पहले क्लिक करना होगा। दूसरा नंबर, सिलेक्ट द कमांड यू वाइज टू ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो कमांड सिलेक्ट करना है जो आप ऐड करना चाहते हैं। टू चूज फ्रॉम मोर कमांड्स सिलेक्ट मोर कमांड्स, आप और कमांड्स ऐड करना चाहते हो तो फिर आपको मोर कमांड्स पे क्लिक करना होगा। थर्ड नंबर, द कमांड विल बी एडेड टू द क्विक एक्सेस टूल बार, अब क्विक एक्सेस टूल बार में आपका कमांड ऐड हो गया है। द रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। रूलर आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पर और लेफ्ट साइड में शो करता है। इट मेक इट ईजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट विथ प्रिसीशंस। इफ यू वॉन्ट टू, यू कैन हाइड द रूलर टू क्रिएट मोर स्क्रीन स्पेस। यह आपके डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कितना मर्डर लिखना चाहते हैं वह आप रूलर से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप रूलर को हाइड कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर ज़्यादा स्पेस पाने के लिए। नेक्स्ट,
टू शो और हाइड द रूलर, आप रूलर को किस तरीके से शो और हाइड करेंगे, स्टेप्स इसमें लिखे गए हैं। क्लिक ऑन द व्यू टैब, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू रूलर टू शो, वहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको क्लिक करना है रूलर को शो कराने के लिए। बट आप उस चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हो तो आपके स्क्रीन से रूलर क्या होगा, हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट व्यू। वर्ड 2013 हैज ए वैरायटी ऑफ व्यूइंग ऑप्शन दैट चेंज हाउ योर डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड। वर्ड 2013 आपको कई सारे व्यूइंग को ऑप्शन देता है, आई मीन डॉक्यूमेंट देखने का कई सारे ऑप्शन देता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से डिस्प्ले होगा। यू कैन चूज टू व्यू योर डॉक्यूमेंट इन रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। आप अपने डॉक्यूमेंट को चूज कर सकते हो रीड मोड में, प्रिंट लेआउट मोड में और फिर वेब लेआउट मोड में। दीज व्यू कैन बी यूजफुल फॉर वेरियस टास्क, यह कई सारे काम के लिए यूजफुल होता है। स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तब ये ऑप्शंस ज़्यादा यूजफुल होते हैं। टू चेंज डॉक्यूमेंट व्यू, लोकेट एंड सिलेक्ट द डिजायर डॉक्यूमेंट व्यू कमांड इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडोज। ये कमांड वर्ड विंडोज के बॉटम राइट साइड में दिखते हैं, ये यहाँ पे जहाँ से जूम कंट्रोल ऑप्शन होता है जस्ट उसी के बगल में आपको ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो अलग अलग व्यू में। क्लिक ऑन द एरो इन द स्लाइड शो बिलो टू रिव्यू द डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शंस। इसमें आप अलग अलग डॉक्यूमेंट के, ये तीन डॉक्यूमेंट व्यू दिख रहे हैं, तीनों में आप अलग अलग जगह पे क्लिक करके अलग अलग मोड में देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट कमांड पेज ओरिएंटेशन। वर्ड ऑफिस ऑफर्स टू पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस। वर्ड हमें दो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस देता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। फर्स्ट नंबर लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मींस द पेज इज ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली। लैंडस्केप का मतलब होता है कि जो हमारा पेज है उसका पोजीशन हॉरिजॉन्टली होता है। व्हिल पोर्ट्रेट मींस द पेज इज ओरिएंटेड वर्टिकली। जहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि हमारे पेज का पोजीशन वर्टिकली हो। कंपेयर आवर एग्जांपल बिलो टू सी हाउ ओरिएंटेशन कैन अफेक्ट द अपीयरेंस एंड स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज। नीचे आपको दोनों ओरिएंटेशन के ऑप्शन दिख रहे हैं, ये देखिए लैंडस्केप है, इस पेज की जो पोजीशन होती है वह वर्टिकली होती है ये, और ये होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में पेज की पोजीशन जो होती है वह हॉरिजॉन्टली होती है, आई मीन पेज एक तरीके से विड्थ में होता है और इसमें हाइट में होता है। टू चेंज पेज ओरिएंटेशन, अगर आपको पेज ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप के लिए कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं, जैसे सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब। सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप। इसमें आपको ओरिएंटेशन कमांड पे क्लिक करना है जो आपको मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप में। थर्ड नंबर अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर्स, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स होगा। क्लिक ऑन इधर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। इसमें आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, चाहे पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। द पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी चेंज, ऑप्शन चूज कर लेंगे आप, फिर उसके बाद आपका ये पेज का ओरिएंटेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेज मार्जिन्स।
इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।